नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी इन फैक्ट पर। दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लोकसभा के स्पीकर्स को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स। और दोस्तों, ये ट्रिक आपने क्या करना है, इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना है और लिख लिख के याद करना है। जब आप इसको 2 या 3 बार रिपीट कर लोगे तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी, क्योंकि बहुत ही फनी टाइप की शॉर्टकट ट्रिक है और आपको याद भी जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों, ट्रिक है, गणेश 2 बार आया हुक्का पीकर संजीव गुरु की बलि लेने सन हेगड़े के जजाखड़ में और उधर। ये 2 पार्ट में डिवाइड की है। पहला पार्ट जो आपका कॉलिशन एरा से पहला का है, जो 1989 से पहले का एरा है, और दूसरा जो पार्ट है और उधर से शुरू होता है, जो कि कॉलिशन एरा है 1989 के बाद। रवि राय पाटिल संगम पर बाल बाल बचे जोशीले सोमीरा के दुष्ट मित्रों से। दोस्तों, इसके अंदर जो आपका 1952 से लेके 2014 तक के सारे स्पीकर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसको मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले है गणेश 2 बार आया हुक्का पीकर। गणेश से यहाँ पे आपने सिर्फ गणेश याद रखना है। गणेश वासुदेव मावलंकर ये हमारे पहले स्पीकर थे लोकसभा के, जो कि 1952 से लेके 1956 तक रहे थे। उसके बाद 2 बार आया, आया आपने यहाँ पे याद रखना है। 2 बार आया का मतलब है जो M.A. आयंगर थे वो 2 बार लोकसभा के स्पीकर बने। आया का मतलब आयंगर, ठीक है। ये 1956 से 1957, उसके बाद 1957 से 1962 तक स्पीकर रहे लोकसभा के। हुक्का पीकर बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। हुक्का पीकर मतलब हुकुम सिंह। हुकुम सिंह बने थे 1962 से लेके 1967 तक। एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, गणेश 2 बार आया हुक्का पीकर। उसके बाद है सॉरी एक लाइन हुई है उसके बाद है संजीव गुरु की बलि लेने सन हेगड़े के, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। संजीव ये है नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि 1967 से 1969 तक रहे थे। अब यहाँ पे गुरु मैंने 2 बार लिखा है, आप संजीव गुरु भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। गुरु इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 बार बने थे। गुरु का मतलब यहाँ पे गुरदयाल सिंह ढिल्लो से है। ये 1969 से 1971 तक बने थे और उसके बाद दोबारा बने 1971 से 1975 तक। बलि लेने का मतलब बलिराम भगत, जो कि 1976 से 1977 तक बने थे। सन हेगड़े, यहाँ पे सन देखो बिल्कुल मैंने छोटा पूरा संजीव नहीं लिखा है, सन लिखा है, तो संजीव आपने याद रखना है। नीलम संजीवा रेड्डी 1977 में कुछ टाइम के लिए बने थे स्पीकर, उसके बाद बने हेगड़े, के डी हेगड़े बने 1977 से लेके 1980 तक। अब ये नेक्स्ट है जजाखड़, इसको आप जाखड़ से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये है बलराम जाखड़, क्योंकि ये 2 बार बने इसलिए मैंने आधा जा लगाया है फिर पूरा जाखड़। तो जजाखड़ का मतलब बलराम जाखड़, 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक ये स्पीकर रहे। ये तो हमारा एक एरा खत्म हुआ, दूसरा एरा शुरू होता है कॉलिशन, गठबंधन की जो सरकारें बनी थी। तो इसमें सबसे पहले बने और उधर का मतलब ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है। रवि राय सबसे पहले बने, रवि राय बने 1989 से 1991 तक। तो ये तो आपको रवि राय तो याद हो ही जाएंगे क्योंकि कॉलिशन एरा के पहले थे। उसके बाद पाटिल है शिवराज बी पाटिल, जो कि 1991 से 1996 तक बने। उनके बाद संगम पर, रवि राय पाटिल संगम पर, तो संगम है पी ए संगमा, जो कि 1996 से 1998 तक बने। और इसके बाद के तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे भी याद हो गए क्योंकि कंटेम्प्रेरी है। बाल बाल बचे, बाल बाल बचे मतलब एक ही है, बाल योगी, जो जीएमसी बाल योगी, ये 2 बार बने। बाल बाल इसीलिए 2 बार लिखा है, ये बने थे 1998 से 1999 और 1999 के बाद 2002। और दोस्तों, ये पहले ऐसे स्पीकर है जिनका अपने कार्यालय के दौरान इनका निधन हो गया था, ठीक है, टाइम पीरियड के दौरान।
और सबसे लास्ट लाइन है जोशीले सोमीरा के दुष्ट मित्रों से। तो ये है जोशीले, जोशीले का मतलब जोशी, मनोहर जोशी, जोशीले से याद रखना है जोशी को, जो कि 2002 से 2004 तक स्पीकर रहे थे। सोमीरा, सोमीरा यहाँ पे सोमनाथ चटर्जी और मीरा कुमार को इकट्ठा किया गया है। सो का मतलब है सोमनाथ चटर्जी, जो कि 2004 से 2009 तक रहे थे, और मीरा, मीरा कुमार 2009 से 2014, जो कि पहली वीमेन स्पीकर थी। उसके बाद दुष्ट मित्रों से, मित्रा यहाँ पे सुमित्रा महाजन, मित्रों से आपने सुमित्रा महाजन याद रखना है, जो कि 2014 से अभी तक स्पीकर है लोकसभा के। तो दोस्तों ये थी शॉर्टकट ट्रिक, जो जिससे आप याद रखेंगे स्पीकर्स ऑफ लोकसभा को। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप जल्दी से जल्दी इसको याद कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।